नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो है वो 9 सरकारी पदों पर जो है वो भर्ती निकली है। तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस में जो है इसकी वैकेंसी निकली है। तो किस चीज़ की ये वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने PDF जो है डाउनलोड कर लिया, आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस की कमीशन से HPPSC द्वारा जो है ये पोस्टें निकाली गई हैं। तो आप HPPSC की वेबसाइट पे जाके www.hp.gov.in पे जाके जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 21 पेज की जो है ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो है ये जो है नोटिफिकेशन HPPSC द्वारा 9/11/2019 को है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है वो जारी किया गया है। तो पोस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस में असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की क्लास 1 गेजेटेड जो है वो पोस्ट है। तो इसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 29/11/2019 11:59 PM तक जो है ऑनलाइन जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप इन्हें खुद पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आती है आपकी चेक लिस्ट, आपके ये डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे मांगे जाएंगे, मैट्रिकुलेशन, बैचलर डिग्री और SC ST OBC जो भी कैटेगरी है, और एक्स सर्विस मैन वाले की एक्स सर्विस मैन, तो ये कुछ सर्टिफिकेट दिए गए हैं। उसके बाद आती है पोस्टें। तो पोस्टें जो हैं वो टोटल, जैसा कि आपको पता है कि 9 हैं, तो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की क्लास 1 गेस्टेड जो हैं ये पोस्टें हैं। तो 9 नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो टोटल 9 हैं। तो इंक्लूडिंग बैकलॉग एंड एंटिसिपेटेड वैकेंसी, जनरल के लिए जो होगी 5 वैकेंसी होगी, ST of HP के लिए 1 वैकेंसी है, और OBC of HP के लिए जो है 2 वैकेंसी है, और जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ HP, तो जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए जो है वो 1 पोस्ट है। तो टोटल 9 पोस्ट हैं, और एज जो है वो 35 ईयर्स तक है, और उसके बाद जो है पे स्केल है इसका 15,600 से 39,100। तो उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस बैचलर डिग्री फॉर इन साइंस और इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एट लिस्ट 1 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल साइंस और फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स और जूलॉजी, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में जो है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और उसके बाद आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें मेल के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, चेस्ट है 79 सेंटीमीटर ऐसे, और 5 सेंटीमीटर जो है फुला के, 84 सेंटीमीटर फुला के जो है वो चेस्ट होगी फिजिकल स्टैंडर्ड में। और कैपेसिटी टू वॉक, तो वॉक होगी 25 किलोमीटर 4 hours में, तो 4 घंटे में जो है वो 25 किलोमीटर जो है आपको वॉक करनी होगी। उसके बाद फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट जो है 74 से 79 सेंटीमीटर, 74 बेने फुलाए और 79 सेंटीमीटर फुला के चेस्ट, और कैपेसिटी टू वॉक है फीमेल के लिए 16 किलोमीटर 4 hours में। तो उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपका, और उसके बाद दिया गया है आपके पेपर का सिलेबस की कितना सिलेबस जो है वो, पेपर जो पहला होगा उस वो होगा 100 मार्क्स का, उसका सिलेबस दिया गया है। और उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, मेन का एग्ज़ाम होंगे, मेन के एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज आपका 100 मार्क्स का होगा, जनरल इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की होगी, हिंदी जो है आपकी 100 मार्क्स की होगी, और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा जिसने आपकी ग्रेजुएशन है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। तो उसके बाद है फीस, तो फीस है आपकी जनरल कैटेगरी के लिए और EWS के लिए
जो है वो 400 रुपये रहेगी, और SC ST OBC of HP ये जितने भी हैं इनके लिए 100 रुपये जो है वो फीस रखी गई है, और एक्स सर्विस मैन के लिए, एक्स सर्विस मैन ऑफ HP के लिए कोई फीस नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट, तो पेमेंट जो है वो भी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड द्वारा भी या ई पेमेंट गेटवे द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो एलिजिबिलिटी दी गई है, इसमें पूरी डिटेल दी गई है, 21 पेज की जो है वो ये नोटिफिकेशन है, आप इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। जो जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई है वो फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।